केबल रॉक स्टेशन पे, केबल रॉक ऐसा करके देखेगा। तो टोरंटो से हम लोग आए नियाग्रा फॉल्स, जो गो स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन, वहाँ से हमें ये गो ट्रेन का जो फ्री गो जो बस है वो यहाँ तक फ्री लेके आया एक साइड, दूसरी साइड के लिए हमें पास लेना होगा। बहुत ज़्यादा क्राउड है तो ये बस ऐसी है, गो ट्रेन की केबल रॉक। तो जो ट्रेन उतार दी है आपको नियाग्रा फॉल्स पे, टोरंटो से जब आते हो आप नियाग्रा फॉल्स के लिए, तो वहाँ से करीब 20 मिनट्स ये बस लेती है नियाग्रा फॉल्स के बिल्कुल पास में ही आपको ड्रॉप करेगी। और जब दूसरी साइड यहाँ से जब आप दोबारा ट्रेन स्टेशन जाएंगे या बस स्टेशन जाएंगे तो आपको पास लेना पड़ेगा, एक साइड फ्री होता है वहाँ से आने का। तो ये ऐसा दिखता है नियाग्रा फॉल्स का जो केबल रॉक जो स्टेशन है। बहुत ज़्यादा क्राउड है, आज सैटरडे है, इतने सारे लोग आए हुए हैं आज, आप देख सकते होंगे। तो यहाँ से पीछे आपको मैरियट दिख जाएगा, ये मैरियट है, एम्बेसी सूट्स है, और कसिनो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, वो कसिनो की बिल्डिंग है। आगे दूसरी साइड में जो फॉल्स है वो यूएस का है। तो ये वीडियो आपको जल्दी से मैं एक डिटेल देता हूँ पूरा यहाँ का, उसके बाद हम लोग एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। तो टेबल रॉक स्टेशन पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से जो स्टेशन है आपका, जहाँ से ट्रेन आपको उतारा था टोरंटो से जब आते हैं हम लोग, हमें जहाँ उतारा था नियाग्रा फॉल्स पे, वहाँ से जो बस आएगी यहाँ तक नियाग्रा फॉल्स के करीब तक, वो देखिए बस मैंने वापस जाने के लिए। तो ये पास 24 आवर्स, $9, $48, $17। तो ज़्यादातर यहाँ पे अभी आपको सब टूरिस्ट दिखेंगे, लोकल लोग बहुत कम। ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसा दिखता है अभी जो बस स्टॉप है। यहाँ मैं आपको मेन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ट्रेवल से रिलेटेड, इसके बाद धीरे धीरे हम जो अट्रैक्शन है उनका एक्सप्लोर करेंगे। और ये पार्क आपको दिख रहा होगा वेलकम सेंटर। तो ये वी को जो यहाँ लोकल चलता है नियाग्रा फॉल्स एरिया में, जो ये बस चलता है उसके लिए पास मिलते हैं। तो मैं इसका भी डिटेल आपको दे देता हूँ, ये डे पास होता है। तो ये डे पास है चाइल्ड $9, $17, $24 ये लोकल के लिए है जो यहाँ पे आप घूमोगे। तो ये ना सोचे जो जिस पास से आप, क्योंकि मैंने यहाँ $10 में सैटरडे डील मिलती है, डे पास मिलता है टोरंटो से लेके नियाग्रा फॉल्स आने के लिए वी गो ट्रेन्स का। बहुत ही अच्छी ट्रेन है, कंफर्टेबल है, वॉशरूम है, वाईफाई है, फ्री, आप आराम से कंफर्टेबल सीट पर बैठ के यहाँ आएँगे। अब जब नियाग्रा फॉल्स पे, नियाग्रा फॉल्स के जब गो ट्रेन ने आपको उतारा, वहाँ से फिर ये बस आती है वी गो, इसकी सर्विस अलग है। तो जो पास आपने लिया था टोरंटो ट्रेन के अंदर वो पास इसके अंदर नहीं चलेगा, लेकिन ये लोग फ्री में लेके आते हैं यहाँ नियाग्रा फॉल्स तक। ये पूरा दिखता है। तो ये इस इन्फॉर्मेशन में मैं ट्रैवल आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे आपको आना है, फिर यहाँ पे पास लेना है आपको डे पास, जिससे कि वी गो बस में आप कहीं पर भी, यहाँ नियाग्रा फॉल्स काफ़ी बड़ा है, अलग अलग अट्रैक्शन हैं यहाँ पे, तो पैदल अगर घूमेंगे थक जाएंगे तो डे पास अच्छा रहेगा। वीगो बसेस के लिए ऑरेंज कलर की बसेस होती हैं। तो बाकी डिटेल, वॉशरूम्स होते हैं ट्रेन के अंदर, और जो वीगो ट्रेन आपको टोरंटो से लेके आती है नियाग्रा फॉल्स पे जो उतारती है, तो उसमें करीब 2 घंटे का सफ़र है। इसके बाद यहाँ नियाग्रा फॉल्स तक आने का, ये नियाग्रा फॉल्स है, आपको करीब 20 मिनट लग जाते हैं वीगो बस से, ट्रैफिक है तो 30 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो आज सैटरडे है तो हमेशा ट्रैफिक होता है। नियाग्रा फॉल्स पार्क एंड रिवर रेलवे पावर हाउस, तो ऐसा ग्रीन यहाँ पे पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो इस छोटे से वीडियो में डिटेल है ट्रैवल की, आगे धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे नियाग्रा फॉल्स को जो अपने कैनेडा के साइड से है, और उसके बाद नियाग्रा फॉल्स जो यूएस के साइड से है, उसके बाद रेनबो ब्रिज जो कनाडा और यूएस को कनेक्ट करता है, उसके बाद क्लिफ्टन हिल जहाँ पे पूरा अट्रैक्शन है बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए, खाने का, राइड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, स्काई व्हील भी होती है। उसके बाद कसिनो को भी बाहर से आपको दिखा दूँगा, कसिनो मैं तो जाता नहीं हूँ, इतना मुझे शौक नहीं है जाने का। ये कसिनो की बिल्डिंग मेरे पीछे है, आपको दिख रहा होगा, उसे दिखा दूँगा। और अभी जब यहाँ पर आए गए तो यहाँ पे खाने के लिए आपको अंदर जाके पूरा रेस्टोरेंट, टेबल रॉक जो बस स्टॉप है उसके सामने पूरा रेस्टोरेंट, हर वेराइटी का खाना आपको यहाँ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट उसमें एक्सप्लोर करते हैं नियाग्रा फॉल्स के बैक साइड से, नियाग्रा फॉल को आगे तक जाने का वीडियो बनाएंगे। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको।